अब हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबक बन जाता है, तो क्या चुंबक के प्रभाव से विद्युत धारा बन सकती है? यही है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सपोज कीजिए आप लोग इस बात को मेरी जो मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली इसको सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपका यह आपका एक चुंबक है कोई इस प्रकार से, इसका आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर लीजिए थोड़ा सा। ये आपके दो चुंबक हैं, ठीक है, इसमें आपका ये नॉर्थ पोल, इसमें आपका ये नॉर्थ, ये साउथ, और इसमें आपका ये नॉर्थ, ये साउथ। क्लियर है सभी को? पहली बात बताइए क्लियर ना, ये नॉर्थ ये साउथ, इसमें ये नॉर्थ ये साउथ, क्लियर सभी को? अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मान लीजिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि मान लीजिए यह आपकी यहां पे कोई कुंडली है, इस प्रकार से कुंडली है, इस प्रकार से पहले कुंडली मत बनाएंगे, पहले कुंडली नहीं बनाएंगे, किसके इरेज करें यार, इसको इरेज करें थोड़ा सा हाथ से ही, ध्यान सुनिएगा, पहले कुंडली नहीं बनाएंगे, पहले एक छोटा सा पदार्थ हम लेंगे, इस प्रकार से एक छोटा सा पदार्थ लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो दो ही चीजों से, मूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो इसमें सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब कि क्या इस पदार्थ में ऐसा पॉसिबल है कि धनावेश और ऋणावेश दोनों पाए जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, धनावेश ऋणावेश दोनों पाए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये साउथ वाला आपका जो है, ये जो साउथ वाला पोल है चुंबक का, ये अगर पॉजिटिव आवेश को अपनी ओर खींचे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये साउथ वाला पॉजिटिव आवेश को अपनी ओर खींचे तो नॉर्थ वाला नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। सिंपल सी बात मेरी समझिएगा, मेरी बात सिंपल से समझिएगा कि अगर साउथ वाला पॉजिटिव को अपनी ओर खींचे तो नॉर्थ वाला नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, सिंपल सी बात। तो और अगर साउथ वाला नेगेटिव को अपनी ओर खींचे तो नॉर्थ वाला पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के उल्टा होते हैं तभी तो आपस में चिपकते हैं, मतलब साउथ साउथ तो आपस में चिपकेगा नहीं, नॉर्थ नॉर्थ आपस में चिपकेगा नहीं, नॉर्थ साउथ ही आपस में चिपकेगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अगर साउथ वाला पॉजिटिव आवेश को अपनी ओर खींचे तो नॉर्थ वाला नेगेटिव को खींचेगा, अगर साउथ वाला पॉजिटिव को नेगेटिव को खींचे तो नॉर्थ वाला पॉजिटिव को खींचेगा अपनी ओर, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम एक को ले रहे हैं, पॉजिटिव को इसको, नेगेटिव को इसको ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा आप। तो यहां से क्या होगा कि यहां जितने भी आवेश होंगे पॉजिटिव वाला ये खींच लेगा चुंबक, तो यहां से पॉजिटिव वाले आवेश जो भी होंगे वो इधर इकट्ठा हो जाएंगे, इस प्रकार से इधर इकट्ठा हो जाएंगे पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव वाले सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे, इधर इकट्ठा हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये नॉर्थ जो है ये अपनी ओर नेगेटिव को खींच लेगा, ये साउथ जो है अपनी ओर पॉजिटिव आवेश को खींच लेगा। क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात कर लिया जाए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि अगर जो नॉर्थ वाला है हमारा, नॉर्थ वाला जो चुंबक का पोल है ये नेगेटिव को खींच रहा है, तो अगर नेगेटिव को खींच रहा है तो पॉजिटिव को ढकेलेगा, सिंपल सी बात है। अगर ये नेगेटिव को खींच रहा है तो पॉजिटिव को ढकेलेगा, और अगर ये साउथ वाला पोल पॉजिटिव को खींच रहा है तो ये नेगेटिव को ढकेलेगा। मेरी बात इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना, कि मतलब अगर ये साउथ वाला पोल पॉजिटिव को खींच रहा है तो नेगेटिव को ढकेलेगा, अगर ये नॉर्थ वाला पोल नेगेटिव को खींच रहा है तो पॉजिटिव वाले को ढकेलेगा। क्लियर मेरी बात को? क्लियर। तो अगर अब इस जो ये हमारा पदार्थ है इसको हम घुमा दें किसी प्रकार से, ऐसे ऐसे घुमा दें, तो ये अब हमारा क्या बनके रेडी होगा, देखिए ध्यान से मेरी बात को, ये आपका चुंबक, ये आपका चुंबक, चुंबक का ये आपके पोल, ये आपका जो है साउथ पोल है, ये नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ठीक है। अब इस पदार्थ को आप घुमा दीजिए, सिंपल पदार्थ को घुमा दीजिए, तो जब आप पदार्थ को घुमा देंगे तो आप लोग यहाँ पे पाएंगे क्या, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, अब ये नेगेटिव वाला इधर आ गया, तो जब नेगेटिव वाला इधर आएगा इस प्रकार से और पॉजिटिव वाला इधर चला गया, पॉजिटिव वाला उधर चला गया, तो अभी हमने क्या सीखा कि साउथ वाला पॉजिटिव को खींच रहा है नेगेटिव को ढकेल देगा, और नॉर्थ वाला नेगेटिव को खींच रहा है तो पॉजिटिव वाले को ढकेल देगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब आप लोग यहां पे देखे होंगे कि ये साउथ वाला जो आवेश है अब इसकी तरफ माइनस वाला आ गया, तो ये इसको ढकेल देगा उधर को,
और ये नॉर्थ वाला क्या करेगा कि इस पॉजिटिव वाले को इधर को ढकेल देगा। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि आवेश जो होंगे ये प्लस माइनस है क्या, आखिर ये आवेश ही तो है, तो इससे क्या होगा कि आवेश चलने लगेगा। सिंपल सी बात है। तो अब अगर इस कुंडली को हम घुमा दें तो माइनस वाला इधर आ गया, प्लस वाला उधर चला गया। तो अब ये नॉर्थ क्या करेगा, पॉजिटिव को ढकेल देगा, नेगेटिव को ये वाला ढकेल देगा। फिर अगर ये कुंडली घूम जाए तो फिर यही प्रोसेस जारी रहेगा, मतलब आवेश इधर से इधर चलते रहेंगे। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी पदार्थ में आवेश चलने लगे इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें धारा बहने लगी। सिंपल सी बात, किसी भी पदार्थ में अगर आवेश चलने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें धारा बहने लगी। तो इसका मतलब आवेश कब चलेगा भाई, आवेश चलने के लिए जरूरी क्या है, जब आवेशों को कोई ढकेलने वाला होगा, और ढकेलता आवेशों को कौन है, विद्युत वाहक बल ढकेलता है। और यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि जब हम कुंडली को सिर्फ घुमा दें और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुंडली को घुमा दें, तो अगर कुंडली को घुमा देंगे तो ये आवेश चलेगा, आवेश चलने का मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। क्लियर? तो जब हम किसी भी कुंडली को चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो वहां अगर चुंबक की ये क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो जाए तो इसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हर प्रत्येक चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अभी मान लीजिए इस वाले चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इतना है ना, तो अगर यह कुंडली घूम गई तो इस वाले हिस्से के लिए इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में परिवर्तन हो गया। अगर घूम गई तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो गया। तो वही बात कि अगर किसी भी कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अगर उसके परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारा बहने लगती है। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। अब मैं आगे, इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, अब इसके आगे कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा तो आपके दिमाग से स्लिप कर जाएगा, इसलिए इसके आगे जो भी बातें हैं मैं आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।